और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और उस पर अपने कमेंट्स लिखे। आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा जी। सर, आपका अभिनंदन और प्रणाम। सर, नमस्ते। हम सर के साथ पिछले गत 14 लेक्चर्स से सर से हम जेमिनी सीख रहे हैं, और सर आज आप हमें जेमिनी में क्या सिखाएंगे? लेकिन उससे पहले, जिन लोगों ने स्वांश के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा या ज्यादा नहीं जानते, सर यदि आप उनके लिए ये डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दें तो बहुत बहुत। जरूर। देखो, स्वांश यानी स्वांश के तो काफी मतलब निकाले जाते हैं। स्व अंश, खुद का अंश, ये तो उसका मतलब हमें समझता ही है। कोई ऐसा भी बोल सकते हैं कि खुद से दूसरा अंश, क्योंकि स्व का एक अर्थ दो भी होता है, परामेद ने जी बोला है। परंतु यहाँ पर कुछ विद्वानों का ऐसा कहना, मैं भी उनसे थोड़ा बहुत सहमत हूँ, कि नवमांश कुंडली में जिस राशि में चरा आत्मकारक विराजमान होते हैं जी उसे स्वांश कहा जाता है। चरा आत्मकारक वो ग्रह है जो किसी राशि में सबसे ज्यादा वक्त प्रवास करता है, जी सर ताकि उसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहते हैं। जी इसलिए सर राहु का यदि हमको देखना है तो 30 अंशों में से उसके अंश निकाल देने, क्योंकि वो उल्टा आता जी सर है। हाँ, तो राहु जब 30 अंशों में आता है तो उसका प्रवास केवल एक ही अंश हुआ रहता है, 29 अंशों में। जी जी इसलिए उसको सर 30 में से निकाल देना, उसका प्रवास कितना है समझ के उसके बाद में तय करना कि ये इसका कोई संबंध है या नहीं, क्योंकि राहु कहाँ और उसका प्रयोग करना वगैरह, उसके बारे में शायद हम पहले पहले बोल, बात कर चुके हैं सर। जी आत्मकारक सर तो नहीं होगा परंतु बताने के लिए, समझने के लिए। तो जी सर कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं, ये जो अंश है, ये जो राशि है जिसमें नवमांश में बैठा है, उसे लग्न कुंडली में देखना, पर उसे कारक अंश करके ज्यादा जाना जाता है। निधन अंश, कारक अंश, ये जो संज्ञा है, ये सहसा ऐसी इसका प्रयोग होता है। जी सर कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आत्मकारक से ही देख सकते हो, वो भी कोई हरकत नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है तीनों जगह से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो हमें योग बताए गए हैं, ये तीन में से कहीं से भी, ये देखिए, ये हमें अलग अलग रास्ते बताता है ना। हम तो त्रिमूर्ति पे विश्वास करते हैं, त्रिकोण पे भी हम जी विश्वास करते हैं, त्रिकोण के आधार से आखिर में एक उसको भी हमें मिलता है। तो जी सर मेरा वैयक्तिक मानना ऐसा कि ये सबको स्वांश से भी देखिए, कारक अंश से भी देखिए और लग्न से भी देखिए, या जहां पर चरा आत्मकारक खुद विराजमान हो लग्न कुंडली में, वो अंश तो नहीं होगा, क्योंकि जी अंश का मतलब एक भाग भी होता है, तो वहां से भी हाँ आप देखिए और फिर अपने अनुभव से तय कीजिए कि मुझे कब कहाँ देखना। वो जी ज्योतिषी को समझने लगता है जब उसकी इच्छा रहती है किसी को मदद करने की, भगवान उसको बराबर अपना मार्गदर्शन कर देते हैं, जी ऐसी मेरी सर धारणा है। तो अब हम देखेंगे कि हम पहले से चलते ही आए हैं कि स्वांश से कोई ग्रह कहाँ रहने से क्या हो सकता जी सर है ना। तो राजा का वो सेवक होगा यदि दूसरे में रवि होगा आदि हमने देखा है। जी अब इसी हाँ श्रृंखला में हम चल रहे हैं, इसी सूत्र को पकड़ के हम आगे चल रहे हैं। तो ये सूत्र है तो उसमें कुछ कुछ एक धागा चलते रहता है, उसको हमको पकड़ के चलना है। वो कभी कभी जी बदल गया तो उसको भी सोच लेना है। तो अभी आता है मृत्यु चिंतयो हो पापे कर्षतः। कर्षक का मतलब सहसा, काश्तकार, या हम अंग्रेजी में फार्मर्स बोलते हैं, है ना, अमेरिका से रैयत बोलते हैं कहीं, तो हिंदुस्तान में अलग अलग जबानों में अलग अलग बोला जाता है, मतलब एक ही है। तो जो कर्षण करता है उसको कर्षक बोलते हैं। और कृष्ण एक जमाने में जो खेती जोतता था उसे कर्षक बोलते थे। यहाँ परिश्रम की जरूरत रहती है, हाँ अनुभव रहती है, लगन की जरूरत रहती है, रुकने की शक्ति भी लगती है। जी अब ये जो मृत्यु चिंतयो है, इसे हमको तो कटप्पयादि से इसका अर्थ निकालना है। तो कटप्पयादि में मृत्यु का, कटप्पयादि का हम जब परिवर्तन कर लेते हैं तो तीन आता है। तो ये स्वांश से तीसरे स्थान पर यदि पाप ग्रह होंगे या चिंतयो हो बोला है, चिंता का अर्थ 6 होता है। कटप्पयादि से देखना, चिंता करके नहीं सोचना उसको, या मृत्यु को 8 मत समझिए, क्योंकि हम जो जैमिनी व्यतिरिक्त हम जब देखते हैं तो मृत्यु स्थान हम अष्टम को बोलते हैं। तो जी यहाँ मृत्यु का मतलब 3 होता है, चिंता का मतलब 6 छः होता है। हाँ, इन जगहों में यदि पाप ग्रह होंगे तो ये कर्षक होता है, ऐसा कहा गया। इसका मतलब वो अति परिश्रम करता है, इस अर्थ में लेना चाहिए। और कर्षक
काफी काम करता रहता है, उसके बारे में हम अगले इसमें देखेंगे कि सर आप जिस हिसाब से बोलते हैं कि तीन कि जो आप बोलते हैं काल सापेक्ष, आप ये काल हमेशा, सापेक्ष। हाँ तो सर मुझे ये पूछने का मन है आपसे कि सर आज के दौर में, पहले जिस समय ये सारी लिखी गई थी, ये सारी ग्रंथ है, उस समय कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ करता था, आज भी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उस समय लिमिटेड प्रोफेशंस होते थे, आज के हाँ समय बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, तो जी, क्या हम ये सोच सकते हैं कि कृषि के समान मेहनत करने वाला व्यक्ति यदि हाँ किसी का, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि यह पराक्रम स्थान है हाँ और शस्त्र जो है अथक परिश्रम का उपशम स्थान का है, स्थान है वही, तो यदि तो हमको जो समझ वैसा में आता है कि हाँ पराक्रम, यदि होंगे तो हाँ ये अथक परिश्रम करेगा, हाँ इस अर्थ में हमें समझना है। राइट, और मैं इसको आगे में, और जैसा हम आगे बढ़ते हैं तो इसके जी सर, आगे का जो सूत्र है वो इसको और स्पष्ट करते जाता हाँ है ना। वो है समय गुरु विशेष न, समय यानी नौ, ये समझ लेना क्योंकि कटपयादि है, तो यदि नवम में उसी समय गुरु भी हो तो फिर ये बिल्कुल पक्का है कि ये कर्षक ही होगा। अब ये कर्षक होगा यानी क्या, तो गुरु क्या करता है, ये नवम में बैठा है, ये पंचम पे दृष्टि डालता है, ये तृतीय पे भी दृष्टि डालता है, ये लग्न पे भी दृष्टि डालता है। पंचम भाव ये हम जो अनुभव से सीखते हैं, हमारे कम से कम जो शिक्षण हमें कुछ व्यवसाय देने के लिए काफी होता है, उससे आगे जब हम जाते हैं के हाँ मर्जी से और दुनिया से भी जब सीखते हैं, उसको पंचम भाव है, उसको मैं अंग्रेजी में एक्वायर्ड नॉलेज कहता नॉलेज, हाँ हूँ। तो गुरु वहां जब देखता है तो ये आए हुए अनुभव से सीखता हाँ है, इसका शरीर बलिष्ठ रहता है। गुरु जब लग्न पे देखता है या लग्न में स्थित होता है तो बलिष्ठ शरीर रहता है। प्रभु रामचंद्र का लग्न में था, है ना, उनकी लंबी विजय थी, ऐसा हमने कहा है तो सुना है। तो और तृतीय भाव में है तो ये कर्म अच्छे के लिए कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि तृतीय या अष्टमी ही रहेगी ये पापक ग्रह, हाँ मुझे ऐसा लगता है दोनों में रहे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे जी भी हम बोलते हैं 3, 6 और 11 में पाप ग्रह अच्छे मानते अच्छे, हाँ हैं। तो ये मूल ज्योतिष के सिद्धांतों से बहुत अलग नहीं है, हालांकि ऐसा प्रथम दर्शनी हमें लगता है। जी सर, ये गुरु क्या करता है, कर्षक क्या करता है, ये मेहनत करता है, इसको काफी चीजें करनी पड़ती है। ऐसा तो इसको फायदा बहुत है क्योंकि ये एक बीज लगाता है, डालता है, उसमें 100 बीज आ जाते हैं, तो हम बोलते 100 गुना है, पर उसको ऐसा है कि वातावरण के हिसाब से क्या बुआई करना जी है ना, कोई खरपतवार आ गई तो इसको कैसा निकालना है, हाँ जी सर, कोई उस पे कीड़े लग कीड़ों गए, का, कीड़े आ गए उसको खा गए, कोई अनेक प्रकार के रोग होते हैं, इसको भी कैसा करना है, इस वक्त बाजार में कीमतें क्या थी पिछले वक्त, इस वक्त मुझे ज्यादा कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब अनुभव के ज्ञान का उसको प्रयोग करना पड़ता है। ये जो भी करे उसको हम कर सकते समझे, उसमें अथक परिश्रम ये एक चीज डेफिनेटली है लेंगे। और एक मैं बताऊं कि छठवे में यदि पाप ग्रह होगा तो 12वें पे देखेगा, तो जी, ये रात के नींद को तो आपकी खराब करेगा पक्का, है ना, तो 12वें स्थान को हम नींद का स्थान ध्यान बोलते हैं। बोलते हैं जी सर, तो क्यों करेगा, क्योंकि अथक परिश्रम ये करेगा, ये बहुत मेहनत करेगा, नींद खराब करेगा का मतलब ऐसा बुरे अर्थ में मत लीजिए, जी सर, इसका अर्थ ये बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसको, और मेहनत करने की इसकी इच्छा भी होगी। आजकल के जमाने में आईटी में जो है ना, वो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स वगैरह आप जिसको बोलते हैं, जी वो इसी कैटेगरी में आएंगे, तो वो जी ये करते हैं रात में काम है ना, खासकर जो अभी हिंदुस्तान में कर रहे हैं बाहर देश के कंपनी के लिए, इनको रात में करना पड़ेगा, सर, और ये अनुभव से सीखते हुए उसमें जो गलतियां हैं उसको सुधारते जाएंगे, है जी ना, सर, वो देख रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें तो उनको सबको हमको कर्षक में ही लेना चाहिए, उसी श्रेणी में रखना योग्य होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आजकल हजारों प्रकार के कोई डॉक्टर भी बहुत मेहनत करता हो, जी है सर, ना, जहाँ उसको शारीरिक भी मेहनत करना पड़े और बौद्धिक भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ गुरु आने के बाद विशेष है, 3, 6 में तो शारीरिक मेहनत है, गुरु आते साथ बुद्धि का भी प्रयोग बुद्धि का करना, भी प्रयोग हो जाता है जी सर, तो इसलिए फिर वो बोलते विशेष है, फिर तो पक्का होगा, पक्का हो गया जी सर, नहीं तो होगा पर कैसा होगा, होगा भी नहीं भी होगा, पर यहाँ तो पक्का होगा, जी है ना, सर, इस अर्थ में जब हम लेंगे तो दर्शक का हमें अर्थ आज हो की जाए परिस्थिति में समझ। फिर है उच्चे शुभे शुभ लोक, अब आ गया क्या, उच्चे उच्चे का मतलब 12वां, नहीं तो इसको उच्च ग्रह समझ लेते हैं कई बार लोग, है ना, तो अलग अलग होते रहता है,
तो उच्चे शुभे शुभ लोग कहा, तो अभी आप हिंदी में बोलते हो तो बहुत आसान होता है, वो अंग्रेजी में जरा अबोर्ड आफ्टर डेथ वगैरह बोलना पड़ता है। तो हम कौन से लोक में जाएंगे हमारे मृत्यु के पश्चात, इसके बारे में अभी बात चल रही है। 12वें घर में यदि शुभ ग्रह रहे स्वांश से 12वें में, ये स्वांश से 12वां और भी काफी जगह आने वाला है, तो 12वें में जब शुभ ग्रह रहते हैं तो ये मृत्यु के पश्चात ऐसा जाकर शुभ लोक में जाता है। अब ये शुभ लोक कौन सा होगा, वो उसको जो शुभ लगेगा वो होगा। वैसे वो है ना विष्णु लोक में जाएगा, वो कृष्ण भक्त होगा तो वो गोकुल लोक में में जाएगा, जाएगा। शिव भक्त होगा तो शिव लोक में जाएगा, है ना। तो ये उसके परिप्रेक्ष्य में सोचना है हमें। तो और 12वें में शुभ ग्रह होने से ये होगा, क्योंकि 12वें में हम खर्चा भी करते हैं, 12वें में हम भोग विलास दान भी धर्म करते हैं, करते हैं। हाँ ये सब करते हैं। ये अच्छे काम के लिए करेगा, ये अच्छे काम के लिए करेगा, तो नैसर्गिक है कि ये अच्छे लोक में जाएगा। ये इसके पीछे की संकल्पना, ये जो अभी आगे के श्लोक है ना, इसको हम ये सही है या नहीं ये तय इसलिए नहीं कर सकते कि जा तक मरने के बाद में क्या होता हमको पता नहीं है, बाकी जी, चीजें तो जो इसके पहले की चीजें से वो कर्षक रहेगा कि नहीं, ये तो हम देख के बता सकते हैं। का अभ्यास करके उसको बताने के बाद वो होता है कि नहीं ये समझ सकते हैं, जी सर, ताकि हमारी समझ बराबर है कि नहीं यह हमें समझे। जी सर, यहाँ जो है ये इसके ऊपर जा रहा है, ये महर्षि ने लिखा हुआ है तो ये प्रमाण होगा ही, ऐसा हमें मानना चाहिए, जी सर, है ना। हाँ, क्योंकि फिर वो बोलते हैं केतो कैवल्यम, कि भाई ये शुभ ग्रह तो हो गया, अब केतु को कई लोग पाप ग्रह समझते हैं, है ना, परंतु पहले भी बोल रहा है कि विप्रतम केशव, तो यहाँ पर भी वो बोलते हैं ऐसा केतु का उल्लेख उपपद लग्न में भी आएगा, वो केतु रहा तो फिर वो शादी वादी नहीं छोड़ता, ऐसा बोलते हैं, हाँ शायद मुझे याद आ रहा है। हाँ सर, हम बात कर रहे थे। जी सर, ऐसे ही सूर्य और भी पूछ ये भी रहे हैं। सर, ये भी हम केतु के लिए बहुत बार हम लोगों ने बात की है और आया भी है कि यदि यदि कभी राहु केतु पाप, कभी भी हम यदि नवांश लग्न से षष्ठम में या स्वांश से षष्ठम में ऐसा कुछ यदि शनि या पाप ग्रह हो तो वो आदमी बहुत ही मिथ्याचारी ये सब होता है, लेकिन यदि उसको केतु दृष्ट कर रहा है तो ऐसे केस में ये विपरीत हो जाता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ हम लोगों ने काफी काफी बार देखा है कि केतु अपवाद क्रिएट करता है। विप्रतम केतु कहा गया है सूत्र में, और सूत्र की एक ऐसी सूत्र कैसा सूत्र का अर्थ निकालना है इसके बारे में एक श्लोक है, मैं दूंगा तो नहीं, यहाँ थोड़ा लंबा है, उम्र के हिसाब से कभी मैं भूल गया तो गलत श्लोक कभी बोलना नहीं चाहिए, पर उसका अर्थ यह है कि यदि ये श्लोक से नहीं समझता, आपको सूत्र से नहीं समझता, पीछे गए हुए सूत्रों का आधार लेके इसे समझने की कोशिश करो, हाँ, ऐसा कहा, इसी ढंग से उसको करना पड़ता है। तो हमें विप्रतम केतु कहा गया है, बताया गया है, जी तो सर, केतो कैवल्यम, यदि केतु रहे 12वें, हाँ, अब यहाँ शुभ ग्रह आप नहीं समझ रहे उसको पार्थ समझ, क्योंकि पूजा बता केतु है हाँ ना, यदि केतु रहे तो ये केवल शुभ लोक नहीं जाता, ये कैवल्य धाम प्राप्त करता है, ये परमेश्वर में इसका आत्मा परमेश्वर आत्मा मैं में लीन हो विलीन जाती है। जी हो जाती है। हालांकि अब वो विलीन हो जाती है बोलो, या वो बड़े उच्च स्तर पर चला जाता है, ऐसा हम इसे समझेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है जो पैदा होगा वो मरेगा, जी सर, और उन्होंने बोला कि मैं भी बहुत बार जन्म ले चुका हूँ लिया और तू भी, भी लेगा, तूने लिया है तुझे याद हाँ नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं गीता में, हाँ तो चतुर्थ भाव में बोलते हैं। हाँ सर, उनको समझेगा। तो ये तो वादातीत विषय है, क्योंकि वो दूसरे फॉर्म में आता होगा, हो सकता है कि ये आत्मा विलीन होकर नए रूप में फिर भगवान उसको भेजता है उस वक्त काल में जिसकी जरूरत है उस हिसाब से, ऐसा हम समझे इसे। परंतु तो ये धर्म के विषय है, इसमें मैंने बोलना ठीक भी नहीं है, तो मैं यही इसको रोकूंगा। अब क्या होता है इसको फिर से विशेषण देखिए, आप एक ख्याल में रखिए कि एक ही हम कोई ग्रह लेके जब हम बोलते हैं तो ऋषि और महर्षि कैसा सोचते हैं, देखिए वहां हमको उन्होंने बोला कर्षक होता है, पर समय गुरु विशेषण, भाव में गुरु होगा तो बिल्कुल होगा ही, डेफिनेटली, हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही बोला है कि केतु कैवल्यम देता है, कब देता है, क्रिया चापयोर विशेषण, केतु केवल रह के नहीं देगा, इसके तरफ वो एक इशारा कर रहे हैं, देख हाँ लेते बोलते ये तो मैं तो बहुत देखा हूँ कि भाई अब मरने के बाद आप तो एकदम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो उसके उसको फिर और कुछ दिया है, तो क्रिया चापयो विशेषण। और यहाँ पर थोड़ा सा सूत्रों का जो
कभी कभी संभ्रम आ जाता है, उसकी बात मैं करूंगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने उसका अनुवाद नहीं मैं बोलूंगा उस पर टीका की है, और टीका बुरे अर्थ में नहीं, टीका का मतलब उसका अर्थ विस्तृत रीति से समझाया है, ठीक है, नीलकंठ से हाँ लेके आजकल के जमाने में के राव साहब है, के राव साहब है, संजय रथ है, बहुत विद्वान है, और फिर सीताराम झा थे, अच्युतानंद झा थे, ये विद्वानों ने अलग अलग ढंग से किया। तो कुछ लोगों ने क्रिया का अर्थ संस्कृत में मेष होता है, और चाप का अर्थ, चाप यानी धनु, धनु, यानी बताने की जरूरत नहीं, उसका मतलब धनु होता है। कुछ ओके, लोगों ने उसको मेष और चाप यानी धनु ऐसा पकड़ा है कि वहां पर यदि केतु हो, स्वांश से 12वें में ये राशि हो के उसमें केतु स्थित हो, तो ये हम क्या स्थिति बोलते बनती हैं है। कि कैवल्य को प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। पर मेरा मानना है कि ये शायद कुछ गड़बड़ हो गई या फिर मेरी भी गलती होगी, पर मुझे याद है कि सर्वत्र सवर्ण भावा राशयश्च ऐसा कहा गया है। जब भी भाव या राशि का कुछ जगह आएगी तो वर्ण है, उसको वर्ण के अनुसार यानी कटपयादि से ही समझना, ऐसा हाँ कहा गया है। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर क्रिया का जब हम कटपयादि से उसको समझना चाहते हैं तो 12 नंबर है, इसका मतलब मीन राशि। चाप को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो धनु नहीं आता, चार आता है। ये कर्क। चार जो संख्या है ये हमें कर्क राशि बताती है, और वहां पर यदि केतु होगा, यह राशि इसलिए बताते हैं कि भाव उन्होंने बता दिया है कि 12वें का होना है ना, वरना फिर हम बोलते कि ये भाव काय पर से नहीं, तो भाव में क्यों नहीं बोले, वो भी सही रहा है। तो इसीलिए सूत्र को पहले क्या बोला, इसको हमको बार बार स्मरण करना चाहिए, वरना हम सूत्रों में गड़बड़ कर सकते हैं। मैं भी करता हूंगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नहीं है, महर्षियों का लिखा हुआ है, हम तो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, सब मिलके, आप हम मिलके प्रयास करते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये है कि यदि 12वें में स्वांश से केतु हो और वहां पर जो राशि है वो ये मीन नवांश में ये मीन या कर्क कर्क हो। हो, तो फिर ये कैवल्य धाम को प्राप्त हो जाएगा। जी, कैवल्य धाम को हम मुक्ति ऐसा मानते हैं, परंतु वो धाम यदि है तो वो धाम से बाहर भी निकल सकते, इसे ना भूलिए। ठीक और मैं धर्म के इस पर तो मैं थोड़ा सा आक्रमण कर रहा हूँ या वहां जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी गलती हो गई तो महान लोग मुझे माफ कर देंगे, वो सोचे तो शायद उन्हें लगेगा मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। तो इसे हमें ध्यान रखना है। फिर अब यह हम सोचेंगे कि ये मीन और कर्क क्यों लिया, इसे भी हमने ज्योतिष होने के नाते सोचना चाहिए। ऐसा बोला है, मतभेदे मुनिना तू ज्योतिषे वैदिके तथा, सब बोला होगा कि ऐसा यदि मतभेद होगा तो जो हमें फल देता है उसी को ग्राह्य करना। जी, ये मीन कर्क और वृचिक। वृश्चिक ये मोक्ष त्रिकोण है। जी वृश्चिक क्या है, इसे आयुष स्थान और इसे मृत्यु स्थान कहते हैं। जी यही मरना है, यही फिर से जीना है ना, मरने के बाद हमको फिर से जीवन वहीं से प्राप्त होना है, इसे मत भूलिए, वो एक गहरी जगह है जहां से हम फिर से आते हैं। तो इसे थोड़ा हम यदि सोचेंगे, और ये होने से कर्क और मीन, मीन क्या है, हम यहाँ जन्म लेने की पहली की अवस्था, क्योंकि 12वें के बाद में पहला भाव आता है, ये पहले भाव में हमारा जन्म होता है। पहला भाव कुछ नहीं है, हमने जब पहले सांस ली उस वक्त हमारे सुदूर पूर्व में जो राशि क्षितिज पे उदित हो रही थी उसे ही हम लग्न बोलते हैं। उसके पहले हम कहाँ थे, तो हम उस लोक में थे, है ना, जो होगा शुभ लोक जो 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 12वां भाव है हमारा। जी सर, यहाँ आते हैं, है ना, और हम सुख कहाँ प्राप्त करते, ये सब जन्म मरण के फेरे में से, ये हम चतुर्थ भाव में, ये माता भी है, ये सुख भाव भी है, तो इसीलिए उसे मोक्ष भाव कहा गया। जी सर, इसलिए ये मीन और कर्क मुझे ज्यादा सटीक सही लगता लगा, सटीक लग रहा है। है, या उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल लगता है, जी न्याय सर, न्यायपूर्ण लगता है। न्याय का मतलब संस्कृत में जब हम बोलते हैं तो न्याय का मतलब कानून मत समझिए, न्याय का मतलब लॉजिक होता जी है सर, ना, तर्क तर्क में ये बराबर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि केतु 12वें में, स्वांश से 12वें में मीन या कर्क राशि में हो, नवमांश राशि में, तो फिर ये जरूर कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा।
ऐसा महर्षि ने कहा है, ऐसा मेरा मानना है। इसको हम प्रयोग करके देख सकते हैं उसको, फिर कैसा समझना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा जो राशि चक्र है ना, उसका अंदाजा लेना चाहिए कि इसका नवम भाव कैसा है, पंचम, ये सचमुच अच्छे काम करेगा बुरे करेगा ये तो सोचे, क्योंकि आखिरी में तो कर्म के ही फल मिलेंगे, है जी सर। ना। तो हाँ, अच्छा भी भाग्य लेके आने वाले यदि कर्म गड़बड़ करेंगे तो भगवान जो निर्णय लिखे जाने। तो मैं थोड़ा सा कभी कभी स्पष्ट बोल देता हूँ, वो मेरा दोष है, अभी उम्र में आप उसको माफ करोगे मुझे मालूम है। सर एक एज के इसके बाद व्यक्ति जो है उनको लीगल लाइसेंस मिल जाता है स्पष्ट हाँ, बोलने तो उसका हम फायदा ले लेते हैं, अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, तो लेना चाहिए, कभी कभी लेना चाहिए। तो राइट सर। इसके बाद जो बोलते हैं, ये छोटा सा ही है सूत्र, अंतिम सूत्र है इस भाषण में, पापेर अन्यथा, यदि पाप ग्रह होंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें छुपी, इसलिए मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, है तो बहुत छोटी चीज है कि पाप ग्रह होंगे तो नहीं होगा, शुभ ग्रह होंगे तो शुभ लोक में जाएगा, केतु होंगे तो कैवल्य लोक में जाएगा, पाप में होगा बिल्कुल, ये तो सुस्पष्ट है कि नहीं जाएगा। नहीं, पर ये इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि हमारे में, मैंने देखा, मैं जब तरुण था तब मेरी भी ये प्रवृत्ति थी, थोड़ी कम थी, नहीं है कि हम एक कुछ तो भी योग देख लेते थे और उसके ये फल है इसमें हम बहुत खुश रहते थे, परंतु तो हम ये नहीं सोचते कि दूसरे भी ग्रह वहां पे कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो मिक्सिंग ऑफ द कलर्स सर, वो जैसे रंग अपना रंग डाल रहे हैं तो उसका वो वो सफेद और करेगा काला शुभ, मिल। हाँ तो शुभ ग्रह यदि केवल बैठे या केवल केतु बैठा है, परंतु उस पे यदि पाप की दृष्टि तो क्या होगा। तो बोलते पापेर अन्यथा, तो समय गुरु वो रंग नहीं ठीक आएगा, वो है, रंग नहीं आएगा। पर पाप यदि ग्रह का वहां प्रभाव पड़े तो वो अन्यथा उसके फल रहेंगे, यहाँ जब वो ग्रह की प्रभाव पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को कहना कि वहां यदि पाप ग्रह होंगे तो, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि पाप ग्रह का वहां प्रभाव होगा तो, और ये प्रभाव चूंकि हम नवमांशों में देख रहे हैं और हमारी ग्रह दृष्टि ये 30-30 अंशों से चलती है, जी इसलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर राशि दृष्टि का प्रयोग कर, यानी चर राशि स्थिर राशि पे, स्थिर राशि चर राशि पे, बाजू के राशि पे दोनों भी नहीं दृष्टि डालते, और द्विस्वभाव राशि एक दूसरे को दूसरे दृष्टि पर डालते जी हैं, इसका प्रयोग यहाँ करना चाहिए जब हम पाप की बात करते हैं। जी सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी वो बहुत थे सुंदर ना, सर। तो बहुत लंबा लेक्चर चल गया, तो हमारा जरा दिमाग भनभनाने लगता है, आपका भी भनभनाने लगा नहीं होगा। नहीं सर, बहुत सुंदर। और हमने पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको भी विजिट किया, तो यदि आपने पुराने लेक्चर सर के नहीं सुने तो ज़रूर सुनिए। सर के ब्लॉग्स और सर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ सर काफ़ी सारे अपने वीडियोस डालते हैं और बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो वहाँ भी जाएँ और वो भी सुने और उनके ब्लॉग्स भी पढ़ें। सारी डिटेल्स आपको नीचे दी जाएगी। सर बहुत सुंदर लेक्चर था सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक है।